आज हम लोग बातें करने वाले हैं कुश भाई के साथ। तो आज हम लोग जानेंगे कि उनके पर्सपेक्टिव से हाउ इट इज टू वर्क विद सच अ बिग ऑर्ग, उनका कैसा वर्क फ्लो होता है, कैसे उनको ब्रीफ्स आते हैं, कैसे उनको चीजें बताता है, बेसिकली क्लाइंट क्या बताता है कि क्या करना चाहिए और वो अपने दिमाग से उस पर कैसे काम करके उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके बारे में अपन आज जानेंगे। कैसे हो कुश भाई? बढ़िया बढ़िया। तो भाई लोग मैं इंट्रोड्यूस करा दूं कुश भाई को। कुश भाई जो है ये गॉडलाइक स्पोर्ट्स के लिए ग्राफिक्स बनाते हैं। आप कब से काम कर रहे हो गॉडलाइक स्पोर्ट्स के लिए कुश भाई? अभी मार्च में एक साल हो जाएगा। क्या बात है भाई, एक साल होएगा। आप अभी कुछ पढ़ रहे हो, मतलब क्या एज है आपका? मैं हूँ 18, 19। हाँ 19, अभी मेरा 12th खत्म हुआ है। मेरे को जानना था, अभी जैसे 12th था, ठीक है, आपका 12th में हाउ योर डे लुक्स लाइक? देखो मैं ओपन स्कूलिंग करता हूँ, मतलब सिर्फ ट्यूशन ही जाना पड़ता है मेरे को। ओके, गॉट इट। तो फिर मैं सुबह ट्यूशन चला जाता था, फिर दोपहर के बाद ये समझो ना 12 बजे के बाद ही फ्री होता था। तो मतलब आपके पास फ्री टाइम रहता था इसके लिए? हाँ हाँ, मतलब था मेरे पे। आपको अभी समझो आज काम दिया, ठीक है, ब्रीफ आया, तो आपको कितने टाइम में उसको रिटर्न देना रहता था? मतलब तो ऑर्ग वाला ने रूल बना के रखा है कि 12 घंटे पहले देने का होता है, तो फिर वो वैसे ही चलता है। कभी कभी अर्जेंट होता है, वो करके देना पड़ता है मतलब। बट फिर 12 घंटे पहले तुम्हें करके देने का है, तो उसका फिर बीटी होता रहेगा ना रिविजन्स का, जैसे क्लाइंट का रहता है हमेशा कि भाई ये इसका कलर भाई। हाँ, वो तो रहता है, वो तो सब में रहता है। तो वो होता नहीं ऐसा, टाइम क्लैश नहीं होता वैसा? नहीं, वो उतना मेरे को पता ही रहता है कि किसी ना किसी को तो चेंजेस हो गए, तो मैं उतना लेके ही चलता हूँ टाइम। आप फोटोशॉप कब से कर रहे हो? फोटोशॉप मेरे को लॉकडाउन के बाद, मैं कहीं पे जॉब भी गया हूँ एल्बम डिजाइनिंग का, वेडिंग होता है ना, तो उससे ही मेरे को टूल्स वगैरह सब आ गए। फिर आपकी स्ट्रीम देखता था, फिर सब मतलब ऐसे वगैरह देखता था, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ गया, तो मैं इसमें घुस गया। भाई वो जॉब के बारे में बताओ, मतलब उसमें मैं सीखने गया था फोटोशॉप टूल्स वगैरह सब कोर्स के लिए, मेरे को वो एल्बम डिजाइनिंग सीखना ही था। फिर भी मैं वहाँ 2 साल काम किया ऐसे ही। 3 साल से तुम कर रहे हो फोटोशॉप का? हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद में फिर कैसा ट्रांजिशन कैसा हुआ तुम्हारा नॉर्मल, जब तुम सीखे कैसे अप्रोच कैसे किए तुम गॉडलाइक स्पोर्ट्स को और कैसे चालू हुआ तुम्हारा? मतलब गॉडलाइक वालों ने उन लोगों ने एक कॉम्पिटिशन रखा था, मतलब तो वहाँ से ही हुआ, मतलब बहुत सारे लोग थे कॉम्पिटिशन में, मैं सिलेक्ट हुआ था और एक मेरे साथ एक और था, मतलब करना ही है पूरे 10 दिन में, इतनी मेहनत की थी ना। क्या था वो कंपटीशन में? 10 थंबनेल बना के देने, 2 पोस्टर और एक ओवरले वगैरह, मतलब उन लोगों ने लिख के दिया था कि क्या क्या चाहिए उनको। उसके बाद में फिर तुमने किसके किसके लिए और काम किया है गॉडलाइक स्पोर्ट्स में? सब क्रिएटर्स के लिए तुम ही संभालते हो सारे थंबनेल्स वगैरह? कभी कभी मतलब मेरे साथ और भी एक है, वो मेरे से मतलब पहले से, वो बहुत, तो वो भी करता है, मैं भी करता हूँ ज्यादातर। क्लाइंट को कोई अप्रोच वगैरह किया ही नहीं जब से तुमने चालू किया सीखना? तब मैं फैन आर्ट बना के टैग करता था, मतलब मेल में बहुत लेट हो जाता है, मतलब राइट। भाई वही मेल एक्चुअली काफी कम जन चेक करते हैं, अगर किए भी तो वो भाई पब्लिक है ना क्या कर देती है, बहुत लंबे लंबे लिख देती है मेल्स, मैंने काफी रियलाइज किया है, क्योंकि भाई इतना भाई 1000 मेल्स आए रहते हैं, उसमें भाई कौन सा पढ़ने का कौन सा नहीं, ऐसा हो जाता है। हम लोग सोचते हैं कि क्लाइंट के पास अच्छे अच्छे मतलब एडिटर्स हो गए, पर उनके पास भी कोई नहीं होता, हमको जाना पड़ता है। अब जब तुम ज्वाइन हुए, अभी तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेस वगैरह रहेगा है, राइट? तो घर वाले क्या बोलते हैं? मतलब जो मैं जॉब करता था उससे तो अच्छा ही है, घर पे रह के करता हूं तो फिर। और वो भी सीखते सीखते कर रहे हो? हाँ हाँ। अभी समझो गॉडलाइक स्पोर्ट्स ने आपको बताया कि थंबनेल बनाना है, ठीक है, जोनाथन का थंबनेल बनाने का है, तो तुम्हें ब्रीफ क्या आता है? मतलब फोटो आ जाता है, बता देते कि कैसा चाहिए, मतलब क्या बैकग्राउंड रहना चाहिए, क्या टेक्स्ट रहना चाहिए, तो वैसे ही टाइप का, फिर मैं खुद का दिमाग लगा करना पड़ता है। कोई एक रीसेंट थंबनेल बताओ, मैं बताता हूँ फिर। एक नंबर। तो इसमें तुम बताओगे तुम्हें ब्रीफ क्या आया था? इसमें तो मेरे को ऐसा आया था कि जैसे पैटर्न चल रहा है जोनाथन का वैसे ही बना दे, ऐसा आया था। अभी है ना थंबनेल सभी बहुत जन अच्छा बनाते हैं, लेकिन सबका वही होता है रोना कि क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, वो सबसे बड़ा लफड़ा है। तुम क्या बोलते हो कि कैसे क्लाइंट्स मिले उन लोग को? पहले मैंने 1 साल फ्री में ही काम किया है सबके लिए, मतलब अपना वर्क इम्प्रूव करो, अगर अच्छा नहीं होगा तो वो कैसे आपको दे देगा। एज अ बिगिनर वो ठीक ठाक थंबनेल बना रहा है, सो व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ अ थंबनेल? रेंज बता दो मुझे, एग्जैक्ट मत बताओ। 200 से 300 तक, 150 भी ले सकता है, क्रिएटर ग्रोइंग है, मैं तो क्रिएटर देख के भी कभी कभी लेता हूँ। मार्केट में उतना बाइंग पावर है क्या? मैं समझो 1000 रुपए का थंबनेल बनाओ, क्या 1000 रुपए का थंबनेल लेने वाला बंदा है? अगर है तो कितने? यहाँ पे तो नहीं है, बाहर बहुत है। तो डू यू सी सिर्फ इंडियन मार्केट प्लेस फॉर जस्ट थंबनेल? ऑब्वियसली आगे जाके जॉनराज इंक्रीज करोगे तुम। जस्ट फॉर गेमिंग क्या तुम्हें लगता सस्टेनेबल है? कि सिर्फ गेमिंग से तो नहीं हो पाएगा। हैव यू बीन टू ऐसे कोई कोर्सेस वगैरह? नहीं। तुम्हारे हिसाब से व्हाट्स द बेस्ट वे, अगर मैं आज
फोटोशॉप मेरे को घंटा नहीं आता, ठीक है, मेरे को बस कुछ नहीं भाई, ये ओपन करना बस आता है, तो मैं कहाँ से सीखूं? मतलब आपको थंबनेल बनाना सिखा रहा है जैसे कि आप सिखा रहे हो, बराबर? हाँ। तो पूरा रिटो कॉपी मारो उसको, एक दो थंबनेल ऐसा बनाओ तो आपको पता चल जाएगा ये टूल से ये होता है। दूसरा कोई फोटोशॉप के टूल सीखता हूँ उससे मैं देखता हूँ कि ये मेरे थंबनेल में कैसे यूज हो सकता है, वो सब। दैट्स द बेस्ट वे। लेकिन आजकल अगर कुछ सीखने जाते हैं ना, कोर्सेस ने अपने दिमाग में डाल के रखा है फर्स्ट लेसन इज बेसिक्स, सेकंड लेसन इज बेसिक्स, थर्ड लेसन इज बेसिक्स अगेन। बट आई फील फोटोशॉप में यू नीड टू एक्सप्लोर योरसेल्फ कि कुछ भी दबाओ भाई। टूल सीखने से फिर कुछ नहीं होता, टूल कोई भी सीख लेगा भाई, वैसे देखिए। राइट, इंप्लीमेंट कैसे करना है उनको वो आना चाहिए। से होना चाहिए कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट है, मैं ये अभी भी फ्री में भी कर सकता हूँ थंबनेल वर्क, क्योंकि मेरे को इतना पसंद है। पैशन होना जरूरी है भाई कोई भी इसमें, नहीं तो फिर एक पॉइंट के बाद पक जाएंगे और फिर अपना क्रिएटिविटी भी बाहर नहीं आएगा। ऐसा होता ही रहेगा ना ऑब्वियसली। चलो जॉनथन के लिए भाई थंबनेल बना दे लाइव स्ट्रीम के लिए, बस ये तुम्हें ब्रीफ मिला है। बट एट टाइम्स ऐसा भी होता है ना कि जब तुम ओवरवर्क कर लेते हो तो तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलता भाई मैं बैकग्राउंड लू क्या, एंड फिर ऐसा लगने लगता है कि भाई अरे ये बनाया भाई ये तो कल के जैसा दिख रहा है। ये बहुत तो उनके साथ होता है, राइट? और जो बिगिनर्स होते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता कि भाई स्टार्ट कहां से करना है। तुम उसको कैसे डील करते हो? इतने सारे थंबनेल बना दिया है ना कि मेरे को अभी इतना सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ता, मैं बैकग्राउंड लेता हूं तो अपने आप ही होते रहता है। एक स्टेप किया तो उसके बाद ये, इसके बाद ये, मैं कुछ भी करूं ना तो मैं रुकता नहीं हूं कि ये बेकार लग रहा है, बेकार लग रहा है ना, फिर मैं करते ही रहता हूं, लास्ट में अच्छा ही हो जाता है मेरा, तो लास्ट तक मैं जाता हूं, देखता हूं कैसा है, फिर नहीं अच्छा लगता है तो फिर मैं बोल देता हूं कि अभी नहीं हो पाएगा मेरे से। हां, बट ये मैंने भी नोटिस किया है कि मैं खुद भी काम करता हूं ना, जब द बेस्ट वर्क दैट आई गेट वो एक पॉइंट पे है ना एकदम वर्स्ट वर्क लगता है मेरा। मैं वो थंबनेल दिखा देता हूँ, अगर उनको पसंद आए तो वो यूज कर सकता है, फिर मैं बोल सकता हूँ अभी थोड़ा टाइम लगेगा कि मैं ये फिर से बना के दे दूँ ऐसा। भाई बहुत बहुत डेंजर क्वेश्चन पूछा है आदित्य भाई ने, अपने फादर को कैसे मनाया? पैसे लगे दो, पढ़ाई चालू रखो और तो क्या चाहिए उनको। तुमने कभी ऐसा बोला है कि भाई क्या कर रहा है? नहीं, क्या कर, अच्छा ही कर रहा हूँ, मतलब जो है वो, क्योंकि मैं बूट कैंप में बहुत बार गया हूँ तो फिर देखते हैं वो। ये ना अभी काफी मोबाइल के जो एडिटर्स है ना तो उनका ये हमेशा कंसर्न होता है कि भाई हमें मोबाइल पे ना इतना तोड़ू थंबनेल आता है कि भाई कुछ भी बना देंगे हम लोग। तो अभी हम लोग अगर मोबाइल से पीसी शिफ्ट हुए तो भाई उन लोग का ना वैसा लफड़ा होता है कि भाई पीसी में काम 25 हो जाएगा, हमारा वो स्किल निकल के नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट नहीं निकल जाएगा। तुम्हें शिफ्ट करने के बाद क्या फील हुआ? मैंने वो जो मैं उस फोन में टूल्स मतलब था वो टूल्स मैंने देखा कि पीसी में कहाँ कहाँ है, मतलब मैंने सीखा कि वो टूल्स कहाँ कहाँ है वो सब। फिर पीसी में तो मेरे को लगा कि ये तो इतना आसान हो गया पीसी में, फोन से मेरे को उससे अच्छा बना पाया मैं, कट वगैरह सब अच्छे से हो पाया, कैमरा तो क्वालिटी बढ़ गई मेरी। हाँ हो गया भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। आई होप लोगों को भाई कुछ सीखने मिला हो। थैंक यू आने के लिए। कुछ भाई का विषय खोल होता था भाई, मम्मी पापा उनके रूम में सोते और फिर भी अभी वो अपने लिए आए ऐसा बातें करने के लिए, तुम लोग से शेयर करने के लिए चीजें। थैंक यू सो मच कुछ भाई, ऑल द बेस्ट के करियर के लिए भाई। थैंक यू सो मच बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। होप यू गाइस एंजॉयड टुडे स्ट्रीम, होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम टुडे स्ट्रीम।